हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंथा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। न्यू बिजनेस आइडिया के अंतर्गत आज जानकारी दे रहे हैं छत पर किए जाने वाले 10 बिजनेस के बारे में। छोटे बड़े शहरों में छत का होना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है यदि इसे काम पर लिया जाए। यदि आपके पास जमीन नहीं है पर एक छोटा सा मकान है तो आप अपने घर की छत पर कुछ पैसे खर्च करके इससे प्रतिमा अच्छी कमाई कर सकते हैं। जहाँ खेती की जमीन कंक्रीट के जंगल में बदल रहे हैं, वही घर की छत खेती में बदल रहे हैं। जी हाँ, सुनने में भले ही अजीब लगे पर ऐसा हो रहा है। छत पर खेती करना सामान्य खेती करने से अलग होता है। छत पर गीली मिट्टी डालकर खेती नहीं कर सकते क्योंकि इससे पानी के रिसाव से छत एवं मकान को हानि पहुंचती है। छत पर खेती करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाया जाता है। इसके लिए सीपेज रोधी केमिकल की कोटिंग के साथ उच्च गुणवत्ता वाली पॉलीथीन सीट बिछाकर क्यारी का निर्माण करके खेती की जाती है, या फिर डिब्बों, गमलों, ट्रे, ड्रम आदि में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। आजकल हाइड्रोपोनिक फार्मिंग यानी बिना मिट्टी की खेती का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके द्वारा भी काफी अच्छी खेती की जा रही है। यहाँ हम छत पर किए जाने वाले ऐसे ही 10 बिजनेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनमें से किसी एक को अपनाकर आप अच्छा लाभ पा सकते हैं। पहला है छत पर जैविक खेती। घर की छत पर जैविक खेती आज के समय में कमाई के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। घर की छत पर प्लास्टिक के ट्रे, गमलों, ड्रम आदि में मिट्टी और बर्मी कम्पोस्ट खाद या जैविक खाद द्वारा अनेक प्रकार की सब्जियों को उगाया जा सकता है। जैविक खाद की वजह से इसका उत्पादन भी काफी अच्छा होता है। जैविक सब्जियों का मार्केट रेट भी अच्छा मिलता है। छत पर गोभी, भिंडी, बैंगन, कुंदरू, कांदा भाजी, टमाटर, कद्दू, लौकी, सेम, गिलकी, लोबिया, मिर्ची, पालक, मूली, धनिया, पुदीना, पोई, शिमला मिर्च आदि सब्जियों को तैयार कर सकते हैं। जैविक खेती के बारे में YouTube पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उन्हें देख कर सीख सकते हैं। दूसरा है छत पर फूलों की खेती। छत पर फूलों की खेती काफी अच्छे से की जा सकती है। आजकल टेरिस गार्डन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। टेरिस गार्डन तो बड़े लोग अपने घर को खूबसूरत दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन आप इसे बिजनेस का रूप देकर छत पर फूलों की खेती कर सकते हैं। छत पर गेंदा, गुलाब, मोगरा, सेवंती, रजनीगंधा आदि फूलों वाले पौधे जिनकी उत्पादन क्षमता अधिक है उन्हें लगा सकते हैं। मार्केट में फूलों की डिमांड हमेशा रहती है, इन्हें मार्केट में बेचकर अच्छी इनकम कर सकते हैं। तीसरा, छत पर फलों की खेती। घर की छत पर फूलों की तरह फलों की खेती भी की जा सकती है। आम, अमरूद, केला, अंगूर, नींबू, चीकू, मौसम्बी, अनार, पपीता, सेब जैसे फलों की खेती छत पर की जा सकती है। विभिन्न ऋतुओं के हिसाब से फलों की उन्नत प्रजाति के पौधे लगाने से साल भर विभिन्न फल मिलते हैं, इससे भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। चौथा, छत पर नर्सरी प्लांट बिजनेस। घर की छत पर पौधों की नर्सरी का बिजनेस शुरू करना आज के समय में एक अच्छा बिजनेस है। घर की छत का इस्तेमाल पौधों को उगाने और उसे रखने के तौर पर कर सकते हैं। इससे जगह किराए पर लेने के झंझट और महीने के किराए से बच जाएंगे। प्लांट नर्सरी का बिजनेस काफी कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करके प्रतिमाह 50,000 रुपए तक आसानी से कमाई कर सकते हैं। बरसात के शुरू होते ही प्लांट की डिमांड शुरू हो जाती है। सीजन के हिसाब से नर्सरी में फूल, फल, सब्जियां, औषधि आदि के प्लांट तैयार करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। पांचवा, छत पर मशरूम की खेती। छत पर मशरूम की खेती की जा सकती है। इसके लिए छत पर एक कोने में छोटा सा शेड डालकर उसे ठंडा रखने की व्यवस्था करनी होगी। मशरूम की मार्केट में अच्छी डिमांड है जिसके चलते इसे बेचना मुश्किल नहीं है। मशरूम की खेती के लिए सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ से मशरूम की खेती सीखकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। सातवां, छत पर बिना मिट्टी की खेती। छत पर बिना मिट्टी की खेती की जा सकती है। बिना मिट्टी की खेती को हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कहा जाता है। ये इजराइल में तैयार की गई है। इस पद्धति का इस्तेमाल अनेक देशों में किया जाने लगा है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करना बड़ा ही आसान है। जहाँ से आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए इक्विपमेंट लेंगे वहीं से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए YouTube पर वीडियो देख सकते हैं। आठवां, छत पर लगाए सोलर पावर प्लांट। अपने मकान के छत पर सोलर पावर प्लांट लगाकर इनकम कर सकते हैं। मोदी सरकार द्वारा सोलर पावर प्लांट लगाने का मौका दिया जा रहा है। सरकार ने छत पर लगने वाले सोलर पैनल की बेंचमार्क कॉस्ट घटा दी है। सरकार ने सोलर प्लांट में लगने वाले इक्विपमेंट का दाम भी सस्ता कर दिया है, साथ ही सब्सिडी भी दे रही है। ऐसे में छत पर सोलर पावर प्लांट लगाकर छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन करके कमाई कर सकते हैं। नौवां है, छत पर लगाए विंड पावर टर्बाइन प्लांट।
घर की छत पर सोलर पावर प्लांट की तरह विंड टरबाइन पावर प्लांट लगाकर अपने आसपास के लोगों को बिजली बेच सकते हैं। विंड टरबाइन पावर प्लांट में ताजी हवा से बिजली तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि आपकी कमाई का एक हिस्सा बिजली के बिल पर खर्च हो जाता है और बिजली की दरें हर साल बढ़ती जा रही है, तो इस परेशानी से बचने के लिए विंड टरबाइन पावर प्लांट लगाकर बिजली का खर्चा बचा सकते हैं। पर्सनल प्लांट लगाने पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। 10वां है छत पर रैबिट फार्मिंग। घर की छत पर खरगोश पालन करके कमाई करने का एक अच्छा ऑप्शन है। घर की छत पर सेट लगाकर रैबिट फार्मिंग आसानी से कर सकते हैं। खरगोश एक शाकाहारी जीव है, इसके साफ सफाई और रख रखाव पर अधिक परेशानी व खर्च भी नहीं करना पड़ता है। खादी ग्राम उद्योग से ट्रेनिंग लेकर रैबिट फार्मिंग कर प्रतिमा अच्छी कमाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, घर की छत पर किए जाने वाले 10 बिजनेस के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस बारे में हमने विस्तार से कई वीडियो पब्लिश किए हैं, उन्हें देख सकते हैं। उनके लिंक वीडियो के आई बटन पर तथा बिजनेस मंत्रा ब्लॉग पर दिया गया है। बिजनेस मंत्रा ब्लॉग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी न्यू बिजनेस आइडिया के साथ। बिजनेस मंत्रा चैनल पर गुड बाय, टेक केयर।